हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह अभी 8 बज रहा है और सोनू गया है रोहतक, तो मैं आ गई छत में। 4-5 दिन बारिश के बाद मेरा पौधे का हालत कैसा है वो देखने में। और ये देखो बोगनवेलिया कैसे फुल ब्लूम में है, कितना सुंदर लग रहा है ना। अब ये जब पूरा खिलेगा ना तब पूरे भर जाएगा छोटे छोटे बोगनवेलिया। और एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं, ये जो लेमन का पौधे है ना, ये बड़े बड़े साइज़ का लेमन आता है। तो ये मैंने वो नीचे एक अपार्टमेंट में ग्राउंड पे लगा हुआ था, तो उस वहाँ से ही मैं कटिंग पिछले साल लगाया था। तो इतने दिन से इसमें फूल ही नहीं आ रहा था और उस पेड़ में तो पूरे फल भरा हुआ है। तो मैं सोच रही थी इसको अब निकाल ही दूँ, क्योंकि इसमें फल भी नहीं आ रहा, फूल भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो लास्ट में इसमें भी फूल आना चालू हो गया। ये देखो कितने सारे फूल आए हैं। तो देखते हैं इसमें लेमन कैसा होगा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, बड़े बड़े नींबू है। तो इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं, आने लग गए। और मेरे वाले जो लेमन है ना, इसमें तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, इसमें लेमन भी है अंदर अंदर अभी भी। ये सब ये देखो ये गुच्छे में आता है, वो ढेर सारे आता है। तो इसमें भी तो चारों तरफ आना स्टार्ट हो गया मेरा लेमन प्लांट में। फ्लावर फ्रूट्स ये छोटे 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 फल भी लगने लगे हैं। आज कोहरा इतना ज़्यादा है, मतलब 4 दिन बारिश के बाद देखो पूरे आसमान कोहरा। अभी तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल अंधेरा था। दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर गुलाड़ा है। ये देखो सुबह सुबह ना इन लोगों को देखने का मज़ा ही अलग है। और तो मैं तो खुशनसीबी मानती हूँ मुझे ये सब नज़ारा देखने का मौका मिल रहा है। कितना पंछी है ये, इनका आवाज़ें और ये पेड़ पौधे में इतने सारे पंछी रहता है कि उनका आवाज़ें सुन सुन के। और शांत है अभी चारों तरफ, देखो कितना अच्छा बुला रहा है। ये भी बुला रहा है दूसरी तरफ से, और कोई बुला रहा है, तो ये उसका आंसर दे रहा है। और ये हमारे पड़ोसी की छत है, ऐसे उन्होंने लगा के रखे हैं। जितना दिखाई देता है ना उतना ही आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। और यहाँ पे देखो मेरे सारे गमले यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसे ठीक करना है ताकि जो विंटर प्लांट्स है वो लगा पाए, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ये सारी मिट्टी गीली है, तो जब पौधे लगाएंगे ना तभी ये मिट्टी नहीं निकालेंगे, जब पौधे लगाएंगे इसमें ही खाद उद मिला के लगा देंगे। आज तो हाथ में टाइम ही टाइम था, तो मैं निकल पड़ी नर्सरी के लिए। तो मैंने सोचा था चलो देखते हैं 2-4 प्लांट सर्दी का ले आते हैं, अगर कुछ मिले तो। जैसे ये पिटूनिया, डैंथास, ये सभी थोड़ा बहुत जो भी मिलता है अगर। और गेंदे का छोटा छोटा सीडलिंग्स देख रहे थे, 5-10 रुपए का जो मिलता है। लेकिन ये पीछे वाले रास्ते से निकल के ही ऑपोजिट में ये जो वाइट कलर का कर खड़ी है, और उसके सामने ये देखो ये येलो कलर का मिराबलिस। तो ये किसी अपार्टमेंट के सामने ही है, इसको दिखाई नहीं दिया कि उनको पूछूं कि मैं यहाँ से कुछ सीड्स ले लूं, तो किसी को दिखाई नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे ढेर सारे काले काले सीड्स पूरे रेडी है, तैयार है। तो मैंने मतलब मुझे लालच इतना आया कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई। वो बोलते हैं ना बंगाली में सेन दृष्टि, तो मेरा दृष्टि ऐसा ही है, जहाँ पे पौधे दिखता है वहाँ पे मेरा नज़र चला जाता है। तो यहाँ से ढेर सारे ऐसे कलेक्ट कर लिया और अच्छे बीज था। और इसके नीचे ना सीडलिंग्स भी था, लेकिन मैंने सीडलिंग्स नहीं लिया, सिर्फ सीड्स लिया। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, मेरे बैग में टिश्यू पेपर भी मिला, मतलब भगवान भी चाहते हैं कि मैं सीड्स लूँ आज। तो इसीलिए, और ये साइड में ना एक रबर बैंड भी पड़ा था, तो मेरे तो मुझे लगता है कि भगवान भी चाहते इसको थोड़ा बहुत सीड्स मिल जाए, ये खुश हो जाएगी, थोड़ा बहुत पौधे उधे लगा लेगी, तो थोड़ा सा नेचर का रक्षा भी हो जाएगा। तो बातें करते करते मैं आ गई
नर्सरी, नर्सरी आई नहीं, ठीक रोड के ऑपोजिट में ही है। तो यहाँ पे आके देखा कि ढेर सारे ऐसे ही प्लांट जो रेगुलर रहता है वही, लेकिन फल वाला प्लांट बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे ये केले का पेड़, और देखा है ये आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये देखो सामने देख रहे हो ना, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है। ये थोड़ा महंगा आता है तो मैंने ये पूछा नहीं इसका दाम। और ढेर सारे क्रिसेंथेमम था, तो मैंने क्रिसेंथेमम तो लिया नहीं, मुझे लेना नहीं था क्रिसेंथेमम, मैंने कुछ पौधे लिया, पिटूनिया, डायंथास, ये सब तो नहीं था। तो नर्सरी से ये ले आए गेंदे का पौधे, तो ये गेंदे का पौधे तो मेरे पास है लेकिन वो गल गया, देखा है बारिश में सारे, और कीड़ा भी हुआ था, तो ये तीन पौधे लिया, 20-20 रुपए का लिया है। और यहाँ पे है हाइब्रिड कलेंचो, तो ये उन्होंने बोल रहा था ये मिक्स्ड कलर है और हेल्दी पौधा है, देखो एक एक पौधा ऐसे हेल्दी है। तो ये मिक्स्ड कलर, कलर कौन सा है उनको पता नहीं, लेकिन वो ये प्लांट गमले में लगा के बेच रहा है 100 रुपीज़ में, और इसमें जब फूल आएगा तब उन्होंने बताया 150 रुपये में बेचेंगे। तो ये प्लांट मुझे मिला है ये पॉली बैग में 40 रुपये में, तो ये भी मैंने 4 ले लिया, पता नहीं कौन सा कलर है, अगर जो भी कलर होगा वो वाला कोलेंचो जो रोज़ की तरह दिखता है अच्छा लगे। तो ये 6, 4, 3, 7 पौधे हमने लिए हैं, और काफ़ी बूशी पौधा है, तो इसे आज रिपोर्ट नहीं करेंगे, 2-4 दिन बाद ही रिपोर्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे, ऐसे ये पौधे के बीच में रख देंगे। तो ये लो मिराबिलिस का जितने भी सीड्स लाए हैं, ये सारे ये 2 गमले में लगा दूंगी फ़िलहाल, उसके बाद जब पौधे निकल जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब दूसरे जगह सेट कर देंगे, फ़िलहाल तो इसमें ही लगा दूंगी। तो कोई कुछ करना नहीं है, ऐसे रखूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी ढक दूंगी, तो ऐसे ही सीड्स लग जाएगा। देखो मेरे पास फ्री में इतना सुंदर लगता है ना ये येलो कलर, और मेरे पास जो रानी कलर है, ये सारे एक साथ अगर रखोगे तो कितना खूबसूरत लगता है। और मेरे वो जो रानी कलर है ना, उसमें तो उसमें भी तो ढेर सारे वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स भी निकले हैं, तो इसमें भी हो जाएगा, तो ढेर सारे पौधे हमारे रेडी हो जाएगा। तो चलो पूरा लगा लेते हैं सारे। आज मैंने क्या क्या किया, नर्सरी गया, कुछ पौधे खरीदा, और जाते टाइम चोरी भी किया, तो ऐसा चोरी माफ़ किया जा सकता है ना। ऐसे तो मैंने कुछ पौधे चुराया नहीं, लेकिन उनका उसका जो सीड्स था वो मैंने लिया है, और उनको बताया भी नहीं, कोई था नहीं वहाँ पे, तो था अगर रहते तो बता के ले लेते। तो आई थिंक इसको चोरी, मैं तो एक तरफ से नेचर को प्रोटेक्ट कर रही थी, मतलब नेचर को बढ़ावा दे रही थी। तो जो भी हो, किसी को ना बोल के लेना उसको चोरी बोलते हैं, तो मैंने आज चोरी कर लिया फाइनली, अच्छा है, और ऐसे चोरी अच्छा लगता है। लेकिन उनका पौधे मैंने नहीं चुराया, सब सीड्स चुराया है। और मेरा जो मिराबिलिस है उसको अब मैं दिखाती हूँ, वो है रानी कलर के, और उसमें जो सीड्स आता है उसको मैं उसमें उसी पॉट में गिरा देती हूँ, तो उससे भी साइड साइड से ना पौधे निकलते रहता है, तो वो बड़ा हो जाएगा, उसको भी साइड में रख, मतलब किसी और जगह में रख दूँगी। मेरा जो मिराबिलिस का पौधा है ये इस कलर का है, रानी कलर के, इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा इसका पूरा छांट टूट दिया, तो नीचे ये सब न्यू निकल रहा है, और इस टाइप का इसमें भी सीड्स आता है। और ये सीड्स मैं क्या करती हूँ, इसके नीचे ऐसे ये गमले के नीचे ही ऐसे ही दबा देती हूँ, तो इसमें देखो 1, 2, 3 सीड्स, तो 3, 4, 5 तो निकला है, बहुत सारे सीडलिंग्स हैं, तो इसे भी अलग अलग जगह में शिफ्ट कर दूंगी, तो ढेर सारे मिराबिलिस मेरे पास हो जाएगा। और कलरफुल लगता है, जब शाम के टाइम ये खिलता है ना, काफ़ी खूबसूरत लगता है।